गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन पे। जूलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोशिका विज्ञान। हमने कोशिका के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था दोस्तों जूलॉजी में अभी तक। पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी कोशिका की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। अब कोशिका किसको बोलते हैं? ये किसी भी जीवधारी की, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया से लेकर व्हेल मछली तक कोई भी जीव हो, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती है, उत्तक फिर अंग बनाता है और अंग आपका शरीर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1965 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन यह बताऊँ आपको कि नॉन लिविंग सेल थी दोस्तों, मृत कोशिका थी, यह निर्जीव कोशिका थी। ठीक है दोस्तों, और इसको सेल नाम क्यों दिया, कोशिका नाम क्यों दिया, कि इसने क्या ना जो संरचना देखी थी ना दोस्तों, वो मधुमक्खी के छत्ती की तरह, कोष की तरह देखी थी, तो इसलिए इसको नाम सेल दिया था दोस्तों। ठीक है, फिर आगे आए आपके 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये आए, उन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी दोस्तों। इन्होंने निमोनिया के जीवाणु में कोशिका की खोज की थी, निमोनिया के जीवाणु है उसके अंदर कोशिका की खोज की थी, जो सबसे छोटी कोशिका भी है दोस्तों, ये PPLO, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी कोशिका ही है और इसी को इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसी कोशिका की खोज की थी दोस्तों, और इन्होंने सबसे पहले इन्हीं को जाता है श्रेय सजीव कोशिका की खोज करने का। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों। एक चीज़ और है कि जो आपकी PPLO, इसको माइक्रोप्लाज्मा गेली सेप्टम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, PPLO कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा गेली सेप्टम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या फीमेल ओवम है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपको पता है नर्वस सिस्टम में ही है आपका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो ये है शुक्राणु स्पर्म। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ने क्या किया ना, जो दोस्तों रॉबर्ट हुक था और जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था या एंटोनी ल्यूवेनहॉक था, इन्होंने कोशिका के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया था दोस्तों। तब कोशिका सिद्धांत आता है दोस्तों, जो स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ठीक है दोस्तों, स्लाइडर और स्वान का कोशिका सिद्धांत आता है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखते हैं दोस्तों। कि इन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक जीवधारी के का निर्माण एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, बस इतनी सी बात बोली थी इन्होंने कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है। ठीक है दोस्तों, स्लाइडर स्वान ने बताया कि जिन जीवधारियों का निर्माण एक कोशिका से होता है उनको एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर, और जिन जीवों का या जीवधारियों का शरीर या जिनका निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है वो बहुकोशिकीय या पॉलीसेलुलर बहुकोशिकीय हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कोशिका सिद्धांत जिन्होंने दिया था स्लाइडर और स्वान ने, इसका एक अपवाद भी है दोस्तों, तो वायरस इसका अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि ये जब तक प्रकृति में नेचर में रहता है या किसी के शरीर से बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग सेल की तरह कार्य करता, मतलब मृत कोशिका की तरह कार्य करता है, और जब ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये फिर एक्टिव हो जाता है और जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत का दूसरा पार्ट है कि प्रत्येक कोशिका अलग अलग रहते हुए भी सभी साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा इसका पॉइंट था कि प्रत्येक कोशिकाएं अलग अलग रहते हुए, अलग अलग रहते हुए कैसे, कि दोस्तों प्रत्येक कोशिका अपने आप में अपना भोजन स्वयं बनाती है, सभी कोशिकाएं स्वतंत्र इकाई है, सॉरी, भोजन क्या बनाती है मतलब पोषण लेती है स्वयं, खुद को अलग अलग पोषण दिया जाता है सबको, इंडिविजुअल को, तो इनमें अपना खुद का केंद्र होता है, RNA होता है, DNA होता है और सारी संरचनाएं होती है दोस्तों,
जो जीव द्रव्य में पाई जाती है वो सबकी सब प्रत्येक कोशिका के अंदर अलग अलग पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इन सब से मिलके बना होता है, लेकिन ये सारे एक साथ मिलके फिर किसी कार्य का संपादन करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रहते हुए भी साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सेल के बारे में थोड़ा बहुत, कि खोज किसने की थी, किसे कहते हैं साइटोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडर और स्वान ने दिया, उसके दो जो मेन मेन बातें हैं वो बता दो। और उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम कोशिका के बारे में। तो हम कोशिका को मुख्यतः दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, अध्ययन किया भी दो भागों में बांट के किया जाता है। तो पहला हो गया जो आपको प्रोटेक्टिव लेयर है या सुरक्षा आवरण। जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के नाम से पढ़ेंगे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका कोशिका को डिवाइड करते हैं दो भागों में, सुरक्षा आवरण और जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, कोशिका की सुरक्षा आवरण के अंतर्गत दो परतों या दो आवरण होते हैं। ये दोनों कोशिकाएं के आंतरिक संरचना की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये क्या करती है, जो संरचना है दोस्तों, जो सुरक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्टिव लेयर है, या आपके आंतरिक जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं दोस्तों। सीधा सीधा एक बार कहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, बोल पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ये कोशिका का वह भाग है जो निर्जीव होता है। ठीक है दोस्तों, और ये पादप कोशिका की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं में पाई जाती है सेल वॉल, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो जंतु कोशिका है उनमें सेल वॉल अनुपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, तो और जो सेल मेम्ब्रेन है वो पादप कोशिका के अंदर दूसरे नंबर की लेयर हो गई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके पास में सेल वॉल भी है, और सेल मेम्ब्रेन जब आ जाएगी इनके पास में तो ये दूसरे नंबर होगी ऑटोमेटिकली। ये एक प्रकार की चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों है, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है दोस्तों, सिलेक्टिव परमिएबल क्यों है, क्योंकि इसी के कोई भी जो जीव द्रव्य के अंदर कौन सा पदार्थ आना है और कौन सा इससे बाहर जाना है, ये झिल्ली डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है जो, और वो सेलुलोज की बनी होती है। अब ये लाइपोप्रोटीन क्या है, तो लाइपो है आपका, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, लाइपो और प्रोटीन से। ठीक है दोस्तों, तो लाइपोप्रोटीन में लाइपो एक वसा है और प्रोटीन के साथ में मिलकर लाइपोप्रोटीन बनती है, और उसी से आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ है छूट गई थी यहाँ पर, कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका वॉल, हाँ सेल वॉल होती है, उसके मुख्यतः तीन परतें होती है दोस्तों। ठीक है, तीन पतली परतों से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल में छोटे छोटे गैप होते हैं दोस्तों, सेल वॉल में छिद्र टाइप में होते हैं, ताकि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पदार्थों का आवागमन हो सके। ठीक है दोस्तों, सेल वॉल में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आपका आवागमन हो सके। तो इसको जो गैप है उनके बीच में, उसको प्लाज्मा डेस्मोटा बोलते हैं दोस्तों। कभी कभार पूछ ले तो आपको ध्यान में होना चाहिए प्लाज्मा डेस्मोटा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। अब हमने पढ़ा था कोशिका के जो प्रोटेक्टिव लेयर है बाहरी आवरण के बारे में, अब पढ़ते हैं जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म के बारे में।
प्रोटोप्लास्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दे तो कोशिका के अंदर जितने भी संरचनाएं हैं दोस्तों, वो सारी संरचनाएं क्या कहलाएगी आपकी? जीवद्रव्य कहलाएगी। ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। इसकी खोज किसने की थी? तो सीधा सीधा कभी कभार पूछ लिया जाता है, और प्रोटोप्लास्ट की खोज किसने की? तो पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी दोस्तों। ठीक है, जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। प्रोफेसर हैक्सले ने क्या बोला था इसके बारे में, प्रोटोप्लास्ट के बारे में, कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था उन्होंने। क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार। क्योंकि क्यों कहा था? कि पूरा शरीर कोशिका से बना होता है, इसलिए शरीर की महत्वपूर्ण संरचना कोशिका, और कोशिका की महत्वपूर्ण संरचना जब जीवद्रव्य है, तो इसलिए उन्होंने जीवन का भौतिक आधार इसको बताया था दोस्तों, जीवद्रव्य को, प्रोटोप्लास्ट को। जीवद्रव्य मुख्यतः दो भाग होते हैं दोस्तों, एक हो गया आपका साइटोप्लास्ट प्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य भी इसको बोलते हैं दोस्तों, वह है जीव द्रव्य। ठीक है दोस्तों, यह है कोशिका द्रव्य। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका केंद्रक, तो दो भाग हो गए इसके भी जीव द्रव्य को। इसको मोटा मोटा पूरे अध्ययन की दृष्टि से ईजी रहे, इसलिए हमने साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, केंद्रक में तोड़ लिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव जो पानी के सदृश, मतलब पानी की तरह ही दिखता हो, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह द्रव्य जो पानी की तरह ही दिखता हो, सदृश हो, उसे कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा कोशिका की समस्त संरचनाएं इसी में तैरती है, इसके अंदर ही सारी संरचनाएं, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जीकाय हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर संरचनाएं तैरती रहती हैं। अब क्यों तैरती रहती है? क्योंकि इनका जैसे इनके बाहर ना वो कम होता है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियस, केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, यह भी जीवद्रव्य का ही भाग है, जीवद्रव्य का भाग है। और कोशिका द्रव्य के भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये इसके अंदर कोशिका द्रव्य का भाग नहीं मानेंगे इसको, केंद्र को। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य के अंदर आपकी समस्त संरचनाएं, वैसे कोशिका द्रव्य का ही भाग इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ही पाया जा रहा है ये भी। लेकिन कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों को मिला के हम जीवद्रव्य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना केंद्रक होती है, बिकॉज इसी के अंदर जो गुणसूत्र है, डीएनए है, आरएनए है, जीन है, सब इसी के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। और ये आपकी बॉडी की हर चीज़ डिसाइड करते हैं, जो जीन है, गुणसूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य की संरचनाएँ। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका द्रव्य की कौन कौन सी संरचनाएं हम पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है दोस्तों, इनके कार्य क्या है, कैसी होती है संरचनाएं, सब कुछ अध्ययन करेंगे इसके बारे में। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्य की जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लास्टिड, गोल्जीकाय और सेंट्रोसोम। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, सात संरचनाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये पढ़ेंगे दोस्तों कल, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर सेवन को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।